मुझे लगता है जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है तो कहीं ना कहीं एक सोर्स यूट्यूब पे, अगर सोर्स की अगर मैं बात करूं किसी भी तरह की न्यूज के लिए, तो स्टडीआईक्यू बहुत ज्यादा उपयोगी रहा है मेरे लिए। और इंटरव्यू के दौरान तो एक क्या कहूँ, मैं रामबाण की तरह काम आया मेरे। जैसे कि स्टडीआईक्यू ने, मैं जैसे बताता हूँ कि कुछ इस पोर्शन पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ चलता है, तो अखबार और न्यूज़पेपर में इतना अपन को मिलता नहीं है, जो कंटेंट जो होता है नेशनल लेवल पर, तो उसको काफी यानी वहां पे समझाते हैं अच्छी तरीके से स्टडीआईक्यू पर। बहुत सारे कम से कम अलग अलग 3-4 साल के अलग अलग, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पोर्शन पढ़ा, अंतरराष्ट्रीय जो न्यूज जो चल रही है, जैसे अभी गलवान वाला जो चल रहा था चीन में, इसके अलावा इसराइल फिलिस्तीन वाला जो चल रहा था, तो उससे काफी यानी डिटेल में वहां पर समझाया गया हर चीज को, और नेशनल लेवल की न्यूज को भी काफी डिटेल में समझाया जाता था। तो काफी इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप किसी चीज को पक्ष विपक्ष दोनों में आपको देखो, और स्टडीआईक्यू पर ये बताया जाता है पक्ष, उसका पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है, और यही चीज इंटरव्यू में सबसे ज्यादा वहां पे काम आती है आपके।